जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं विकास लाइफ केयर का विकास अभी तक कहां तक पहुंचा और आगे इसमें और कितना विकास होना बाकी है और विकास होगा भी कि नहीं। हालांकि यहां पर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, इसका मतलब ऐसा लग सकता है आपको कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। लेकिन क्या सच में विकास हो रहा है? जब हम लोग आगे इसके फंडामेंटल और काम की बदौलत इसकी डिटेल्स को खंगालेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले काम से देखते हुए चलते हैं, फिर फंडामेंटल और चार्ट के एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे बातों को। काम के बारे में तो आपको पता है, कंपनी आजकल मल्टीपल बिजनेसों में कूदी हुई है, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट्स से लेकर आजकल FMCG में भी कंपनी आ गई है। एग्रो प्रोडक्ट में तो काफ़ी पहले से थी और जिस तरीके से सुनने का आ रहा है कि कंपनी होटल लाइन की इंडस्ट्री में भी घुसने वाली है और तमाम तरह के बिजनेसों में अपना कारोबार बढ़ा रही है, तो बिजनेस में तो कहीं ना कहीं कंपनी की तेजी आ रही है। लेकिन बिजनेस की बदौलत कंपनी का फंडामेंटल बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो शेयर का एक्चुअल प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना, वो फंडामेंटल की बदौलत ही लंबी अवधि में शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल से भी, फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 445 करोड़ के आसपास कंपनी का आपको मार्केट कैप दिखाई देगा, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी कैप श्रेणी की कंपनी की तरफ यह बढ़ रहा है। पीई का कुछ ज्यादा पता नहीं है क्योंकि पीने स्टॉक में सही होता है। शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो ROE और ROC ही है ये माइनस में है। हालांकि ये काफ़ी दिनों से माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में जिनका इसमें साल भर पहले से इन्वेस्टमेंट था उनके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी ने कुछ कमा के नहीं दिया है। यदि स्काल्पिंग की बात छोड़ दें तो जिन लोगों ने इसमें लंबी अवधि से निवेश किया हुआ है उनका पैसा बनना तो छोड़िए, हो सकता है कि उनका नुकसान ही हो गया हो। इसलिए जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो ये ROE और कम से कम ROC जरूर देख लें कि आपके इन्वेस्टमेंट पर, इसी से पता चलता है कि कितना मिनिमम कितना रिटर्न आपको साल भर में मिल सकता है। साल भर का इसका हाई देखेंगे तो तकरीबन 5.5 रुपये के आसपास आपको दिखाई देगा। चलिए चार्ट पर समझते हैं बातों को, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। तो एक साल का चार्ट अभी मैंने आपके लिए यहाँ पर ओपन किया हुआ है और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का शेयर प्राइस तकरीबन फरवरी 2023 तक तो ठीक था, इस लेवल के आसपास था 4 रुपये के आसपास। लेकिन फरवरी के बाद देखेंगे तमाम तरह की न्यूज आ रही थी कि शेयर में इसने कैंटीन में भी अपना बिजनेस बढ़ा लिया है और तमाम तरह के बिजनेसों में कंपनी कूदी। इस साल के शुरू में ये सब खबरें आई थी। हालांकि बिजनेस में कंपनी ने एक्सपेंड किया है लेकिन उसके बाद भी देखेंगे तो शेयर प्राइस धड़ाम 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 नीचे की तरफ आया है और 4 रुपये से सीधे 3 रुपये के लेवल पर आ गया। हालांकि कुछ दिनों तक 3 रुपये के नीचे भी कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड किया, लेकिन अभी देखेंगे तो 3 रुपये से ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये इसी के बीच में इस स्टॉक का प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देगा। अब सवाल है कि इस रेंज बाउंड से स्टॉक बाहर कब निकलेगा और बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो देखिए एक तो बात यह तय है कि कोई भी स्टॉक ज्यादा दिन तक कंसोलिडेशन रेंज में नहीं रहता, इससे बाहर जरूर निकलता है। और सामान्यतः जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है ना तो ऊपर की तरफ जाता है, पहले ऊपर जाएगा फिर बाद में नीचे आना होगा तो आएगा। हालांकि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो ये हमें पता लगता है कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर के रिजल्ट से। चलिए अभी क्वार्टरली रिजल्ट पर भी बात कर लेते हैं कि कंपनी कि जो हाल के दिनों में क्वार्टर्स के नंबर आए हैं जो आने वाले हैं उसमें क्या हो सकता है। तो शुरुआत यहां से करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले तो ये रहा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं, जो कि मार्च क्वार्टर के यानी कि क्वार्टर फोर के जो कंपनी के नंबर आए हैं उसमें 116 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कम है। पिछले 2-3 क्वार्टर से देखें तो उसके मुकाबले सेल्स कम हुआ है। हालांकि कंपनी के जो खर्चे हैं, खर्चे तो देखिए बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो कंपनी में खर्चे लगेंगे, खर्चे कंपनी के कम होते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि कमाई के मुकाबले कंपनी का खर्चा बरोबर है, ज़्यादा नहीं अच्छी बात है, लेकिन खर्चा थोड़ा और कम होना चाहिए थी क्योंकि इस पर कमाई भी कम हुई है। हालांकि कंपनी का खर्चा धीरे धीरे देखेंगे तो बढ़ते जा रहा है, खर्चे में कोई कटौती नहीं हो रही, जबकि कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से जब कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी आप पाएंगे कि कुछ खास नेट प्रॉफिट में होते हुए नहीं दिखा है, माइनस में चला गया है इस बार का जो क्वार्टर फोर का नंबर आया। क्योंकि क्वार्टर फोर का नंबर में आपने देखा कंपनी ने जितना कमाया है तकरीबन उतना ही ज़्यादा खर्च कर दिया है, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा? जितना कमाएगा उसमें से कुछ बचाएगा तो प्रॉफिट होता है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में थी, लेकिन अभी देखेंगे तो लॉस में चली गई है इस क्वार्टर की यदि बात करें तो अब क्या हो सकता है? अब क्या है कि फिर से कंपनी का क्वार्टर का नंबर आने शुरू होंगे, पहले क्वार्टर वन का नंबर आएगा, क्वार्टर टू का नंबर, तो ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन ध्यान देना ये है कि 2-3 क्वार्टर से नहीं, तकरीबन एक साल के क्वार्टर, एक साल में तकरीबन 4 क्वार्टर्स के नंबर आते हैं। चारों क्वार्टर्स में यदि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तब उसे कहा जाता है कंपनी सस्टेनेबल सस्टेन कर रही है, अपने फंडामेंटल को एक लगातार वे में मजबूत करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है, अगले क्वार्टर रिजल्ट बुरा जाता है, अगले 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है, तीसरा क्वार्टर रिजल्ट खराब हो जाता है। ऐसे नहीं होगा, लगातार 4 क्वार्टर के यानी कि एक साल का परफॉर्मेंस कम से कम मायने रखता है किसी भी स्टॉक के ग्रोथ में। तो विकास लाइफ केयर में देखिए भले कंपनी का
व्यक्तिगत तौर पर कहें तो ग्रोथ हो रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन कंपनी के उस हिसाब से फंडामेंटल में ग्रो होते हुए नहीं दिख रहा है। इस वजह से इसका शेयर प्राइस आप देखेंगे तो गोल गोल घूम रहा है, कहीं पर इसमें कोई बढ़ोतरी तो नहीं दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास लाइफ केयर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताया अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नया इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, जिनका इन्वेस्टमेंट है उन्हें ही बस इसमें बने रहना है। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेंजल वन एम एस स्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।